बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। NAN24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूँ अरीज हबीब। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पिंडादन खान दीवानपुर में कयामत खेज अलमिया, 7 साल बच्ची से उबाश लड़के की ज्यादती। लियाकतपुर के नवाही इलाका तरंडा मोहम्मद पनाह सांगला मोरी के मुकाम पर मोटरसाइकिल को बचाते हुए बस नहर में जा गिरी, एक सवार शदीद जख्मी। फैसलाबाद थाना झंग बाजार की हदूद में 3 मुलजमान की अंधाधुंध फायरिंग। मंडी बहाउद्दीन बजाड़ हाउस सिकराली गांव में चौधरी मोहम्मद आसिफ बजाड़ जफरुल्ला और चौधरी नसरुल्ला खान बजाड़ ने दोस्तों के एजाज में जफराना दिया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद अली रजा की हिदायत पर लाइन ऑफिसर और हेड मुहर्रर पुलिस लाइन के शहीद पुलिस लाइन में अफसरान को ब्रीफिंग। जैकबाबाद में निजी टीवी के एंकर पर्सन इरशाद भट्टी के खिलाफ एहतजाज। हेडलाइंस आपने मुलाहजा की, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। NAN24 न्यूज की जानिब से मैं हूं राजा जी, आपके लिए लेके आ रहे हैं शो घूम बराबर, एंटरटेनमेंट से भरपूर। मुस्कुराने की वजह तुम हो। पेट्रोल की जगह पानी पै जाए, एक बंदा कहता खैर है, कहता चुप कर जाए, इन्हू पता लग गया। बुलेटिन में खुश आमदीद कहते हैं नाज़रीन। सबसे पहले आपको एक अफसोसनाक खबर से आगाह करें कि पिंडादन खान दीवानपुर में कयामत खेज अलमिया, 7 साल बच्ची से 36 साल उबाश लड़के की ज्यादती। पिंडादन खान के नवाही गांव दीवानपुर में कयामत खेज वाकया, 36 साल उबाश शख्स कैसर नामी की 7 साल बच्ची से ज्यादती के अफसोसनाक वाकया दीवानपुर में पेश आया, जहां पर मुबैना तौर पर कैसर नामी शख्स ने 7 साल बच्ची से ज़बरदस्ती ज्यादती की और वकूआ की इत्तला मिलते ही पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए थाना जलालपुर शरीफ पुलिस ने मुकदमा नंबर 21/42 जुर्म 511/367 दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, जबकि मुतासरा बच्ची मेडिकल के लिए नमूने भी हासिल कर लिए गए। समाजी हलकों ने वकूआ पर अफसोस का इजहार करते हुए मुलजिम को कड़ी सजा देने का मुतालबा किया है। और लियाकतपुर के नवाही गांव तरंडा मोहम्मद पनाह सांगला मोरी के मुकाम पर मोटरसाइकिल को बचाते हुए बस नहर में जा गिरी, एक सवार शदीद जख्मी। लियाकतपुर के नवाही इलाका तरंडा मोहम्मद पनाह मोरी सांगला पर चीमा बस नंबर 8635LES मोटरसाइकिल सवार को बचाते हुए नहर में गिर गई। बस लाहौर से सादिकाबाद जा रही थी, बस में 8 अफराद सवार थे, 3 अफराद मामूली जख्मी हुए जबकि एक जमील नामी शख्स शदीद जख्मी हो गया। मुकामी पुलिस ने मौका पर पहुंचकर जख्मी सवार को RHC तरंडा मोहम्मद पनाह में मुंतकिल कर दिया।
नाज़रीन आपको फैसलाबाद से अपडेट करते चलें कि फैसलाबाद थाना झंग बाज़ार की हदूद में 3 अफराद की अंधाधुंध फायरिंग के नतीजा में एक शहरी फरहान नामी शदीद जख्मी और NAN24 न्यूज़ HD ने फुटेजेस हासिल कर ली। वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह मुलजमान फायरिंग करते दिखाई दे रहे हैं। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे मलिक सईद इकबाल से। जी सईद इकबाल, आगाह कीजिएगा। जी हाँ जी बिल्कुल, देखें ये फैसलाबाद थाना जंग बाजार का इलाका है। जंग रोड लकड़ मंडी में वासर मुलजमान की फायरिंग से मलिक फरहान नामी शहरी शदीद जख्मी हो गया। जख्मी होने वाला फरहान नामी नौजवान अपने घर में कामकाज में मसरूफ था कि वासर मुलजमान जिनमें मुलजम जुबैर जट और रेहान जट शमसुल्लाह का और 3 नामलो मसल्ला असला पिस्टल 30 बोर मुलजमान ने फरहान को उसके घर में घुसकर गोलियों से छनी कर दिया, जिससे फरहान शदीद जख्मी हो गया। मुलजमान की CCTV फुटेज मसूल हो चुकी है। फुटेज में देखा जा सकता है कि कैसे मुलजमान फायरिंग करते दिखाई दे रहे हैं। इस फायरिंग से इलाका में खौफ और हैरास फैल गया। मुलजम बाजार में भी हवाई फायरिंग करते हुए मौका से फरार हो गए। पुलिस थाना जंगजार ने वाकई के बाद पहुंचकर शवाहद इकट्ठे कर लिए, मगर अभी तक मुलजमान की गिरफ्तारी पुलिस के लिए एक चैलेंज बन गई है। जख्मी होने वाले फरहान को DHK हॉस्पिटल फैसलाबाद मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। जख्मी होने वाले की हालत इंतहाई नाजुक बयान की जाती है। इलाका में तीनों ने IG पंजाब समेत RPO फैसलाबाद CPO 11 चौधरी से अपील की है कि मुलजमान को फौरी गिरफ्तार करके करार वाक सजा दी जाए। जी जी मलिक सईद इकबाल, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मंडी बहाउद्दीन बाजार हाउस 41 गांव में चौधरी मोहम्मद आसिफ बाजार जफरुल्ला और चौधरी नसरुल्ला बाजार ने दोस्तों के एजाज में जहराना दिया, जिसमें चौधरी अंसर मिर्जा जहांगीर बे के अलावा चौधरी मोहम्मद असगर, चौधरी जफरुल्ला खान बाजार, जफर हुसैन पठाना, रिजवान गोंदल नथुकोट, नवीद असगर और इनके वालिद मोहतरम चौधरी मोहम्मद असगर जलालपुर जटा के अलावा दीगर जिक्री दोस्तों ने शिरकत और मेज़बानों की जानिब से मेहमानों की मज़ेदार और मुख्तलिफ़ किस्म के खानों से तवाज़ा की गई और मुख्तलिफ़ उमूर पर बहस मुबहसा और गपशप भी की गई। तमाम दरीना दोस्त काफ़ी लंबे अरसे के बाद एक जगह इकट्ठे हुए और पुरानी यादों को ताज़ा किया। मंडी बहाउद्दीन डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद अली रजा की हिदायत पर लाइन ऑफिसर और हेड मुहर्रर पुलिस लाइन की शहीद पुलिस लाइन के अफसरान को ब्रीफिंग। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद अली रजा की हिदायत पर मोहम्मद इकबाल गड़ाइस लाइन ऑफिसर और नवीद अकबर रांझा हेड मुहर्रर पुलिस लाइन ने जुडिशल हवालात ड्यूटी पर जाने से कबल जाहिद महमूद गोंदल शहीद पुलिस लाइन में अफसरानों मुलाजमीन को मुलजमान की मजबूत गिरफ्त और असलहा के मुनासिब इस्तेमाल जबकि मोबाइल दौरान ड्यूटी इस्तेमाल ना करने के मुतालिक सख्ती से ब्रीफ किया। नाज़रीन आपको जैकबाबाद से अपडेट करते चलें। जैकबाबाद में निजी TV के एंकर पर्सन इरशाद भट्टी के खिलाफ एहतजाज। मुश्ताक सरकी की टीम की जानिब से निजी TV के एंकर पर्सन इरशाद भट्टी की मजाहिया प्रोग्राम के दौरान सिंधी जबान की तजलील करने के खिलाफ एहतजाज किया गया। एहतजाज इंसार अमीर सरकी, बिलाल अहमद अब्बासी, इमरान अहमद मीरानी की क़यादत में किया गया। इस मौका पर मीडिया के सामने एहतजाजी मुजाहरे और नारेबाजी भी की गई। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NAN24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुँचाते हैं हर खबर अमन के साथ।